तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मुकेश अपनी आइटम के साथ पानी में ही रोमांस करने लगता है और उसकी चीखें निकाल देता है। और अब इससे आगे तो आओ जान, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। और कहानी के अगले दिन हम देखते हैं कि नितेश फिर से सिका से मिलता है कॉलेज में, और वो फिर से सिका से जिद करने लगता है कि आप मुझे ट्यूशन देगी तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर सिका फिर से नितेश को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नितेश का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। और कहानी के आगे दोनों माँ बेटी अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ पर दिनेश घर पर नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को दिनेश की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वो मीटिंग में जा रहा है। और ये पढ़ने के बाद सिका थोड़ी सी उदास हो जाती है। और फिर रात में सिका सोई हुई होती है तो चोरी चुपके उसका पति उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ फुल रोमांस करने लगता है। यानी कि यहाँ पर आपको 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बार फिर दिनेश सिका की चीखें निकाल देता है और सिका की प्यास बुझा देता है। और यहाँ पर सिका भी बहुत खुश हो जाती है। समझ रहे हो आप? और कहानी में फिर अगले दिन नितेश सिका से मिलता है और वो सिका पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सिका को गुस्सा आ जाता है और वो नितेश से कहती है कि मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। और ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और कहानी की दूसरी तरफ मुकेश दिनेश को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और दिनेश को 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। और दिनेश उसकी बात सुनकर उससे थोड़ा टाइम मांगता है। और वहीं पर मुकेश की आइटम दिनेश के कमरे में बैठी होती है और दिनेश को फुल उकसाने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ कहानी के आगे दिनेश और डायना का एक बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है और ये सीन 10 मिनट तक चलता है, जहाँ पर दिनेश डायना को अच्छी तरीके से खुश कर देता है। समझ रहे हो आप? और कहानी की दूसरी तरफ नितेश फिर से सिका की क्लास में उसके सपने देखने लगता है, जहाँ पर वो सिका को डांस करते हुए देखता है। और जब नितेश का ये सपना टूटता है तो पूरी क्लास वहाँ से चली गई होती है, बस सिका को छोड़कर। और यहाँ पर फिर नितेश फिर से जिद करने लगता है ट्यूशन क्लास के लिए और सिका उसको फिर से मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सिका का पैर टेबल से टकरा जाता है और सिका के बड़े बड़े संतरे सीधे नितेश के मुंह पर आकर गिरते हैं। और यहाँ पर नितेश ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। और यहाँ पर हमें इन दोनों का एक सीन होता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।